देखिए यही है कि हम लोग कल चुनाव जीत रहे हैं और कम से कम इंडिया अलायंस को पूरे देश भर में 295 सीटें जो है मिलने जा रही है। 295 से कम हम लोगों को मिलने नहीं जा रहा है और हम लोग पूरी तरीके से देश की जनता को धन्यवाद देते हैं कि इस पर खासतौर पर बिहार के लोगों को हमने जहां भी रैलियां की हैं 45 डिग्री में 49 डिग्री में कड़े धूप में 3-4 घंटा लोग खड़े रहे, ये जज्बात उन लोगों का बताता है कि हम लोग पूरी तरीके से चुनाव जो है जीत रहे हैं। और हर जगह से जो है सभी नेताओं से हम लोगों की बात हुई, हर जगह से अच्छा फीडबैक आया। हम लोग इलेक्शन कमीशन डेलीगेशन हमारा गया, वहाँ भी ये तय हुआ कि भाई जो नॉर्म्स है जो गाइडलाइंस है सभी कलेक्टरों को भेज दिया जाए ताकि उसका सही से नियम का पालन किया जाए और काउंटिंग प्रक्रिया में कोई धांधली ना हो। और आप सब लोग जान रहे हैं अगर धांधली अगर होगी 2020 जैसे अगर धांधली होगी तो इस बार जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस बार जनता जो है हिसाब लेगी, 2020 के जैसा धांधली इस बार होने नहीं जा रहा है क्योंकि जनता पूरी तरीके से अपने लोकतंत्र में जो उनका जो अधिकार मिला है उसकी रक्षा के लिए जनता पूरी तरीके से धांधली को रोकने के लिए तैयार खड़ी है। तो हम लोग सब लोग निश्चिंत हैं और कल आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छे मार्जिन से हम लोग जो है चुनाव जीत रहे हैं। और कुछ लोग बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में आप लोग लिख लीजिए कि 25 सीट से कम इंडिया गठबंधन नहीं आने जा रहा, 25 सीटों से ज़्यादा हम जो है जीत हमारी होगी। नीतीश जी से मुलाकात किया प्रधानमंत्री से एग्जिट पोल को लेकर क्या कहेंगे? अरे एग्जिट पोल जो है ये मोदी जी का पोल है, ये मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल तौर पे ये चलाया जाता है। अरे भैया और मीडिया से उम्मीद क्या की जाएगी? तो आप जानते हैं कि हम लोगों का जो है जनता का पोल है, जनता ने जो फीडबैक दिया है वो 295 इंडिया गठबंधन को दिया है और मोदी जी का जो पोल है उसमें भी मोदी जी को घाटा दिखाया है। किस हिसाब से अगर आप बिहार की बात करें तो हम लोगों को कम से कम जो है 14-16% फायदा है, मतलब 14-16% वोट हमारा बढ़ा है, पॉजिटिव स्विंग आया है और उनका 6-7% जो है घटा है, नेगेटिव स्विंग है। अगर उन्हीं और बड़ा ये कंजर्वेटिव है अगर मीडिया का भी माना जाए तो, यानी 42-46 जो है परसेंटेज जो है हम लोगों का बिहार में दिखाया है, लेकिन हमारा मानना है कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव स्विंग हमारे पक्ष में आया है और बीजेपी और इनके साथियों को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल दबाव, मीडिया का सर्वे मोदी जी का सर्वे होता है, इसलिए जो ग्राउंड रियलिटी है हम लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। लोगों के गांव से फ़ोन आ रहे हैं, बोल रहे भैया ये मीडिया वाले को क्या हो गया है? तो आप सोचो जो व्यक्ति 49 डिग्री में 50 डिग्री में धूप में खड़ा हो, गांव का लोग वो उसको विश्वास ही नहीं है इस चीज़ों पर। खैर अपना जिसका काम है करता रहता है। नीतीश जी केंद्र में चेहरा बनने जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, बीजेपी उनको केंद्र में ले जाना चाहती है, क्या ये सही है? नीतीश कुमार पर दबाव, कल के बाद देखिए क्या होता है। Zee News.